Hey, what's up, people? Good morning, मैं आपका दोस्त रस पटेल आज एक और फिर से आया हूँ आपके पास क्योंकि आप लोग प्यार ही बहुत दे रहे हैं। तो अभी सुबह सुबह का वक्त है और हम डाल रहे हैं सीरा। तो सीरा जो है वो गेहूं के दाने का बनता है और अभी बाल्टी उठा ली है, इसमें मैंने पानी भर रखे हैं और इसमें भर के रखे हैं या गेहूं के दाने। और अभी अम्मा जी काम बता रहे हैं क्या करना है। अच्छा करना क्या मोड़ी कटनी। अच्छा वो तन पाई बेलिंग घास को जाना। अच्छा भी बेलिंग खातर बेलों को चढ़ने के लिए मेरे को रास्ता बनाना है। ठीक ठीक कोई भी बनाए सकता है जो। आहा मशीन पीने आटे वाली हथ वाली है ना है चेयर करने जो आहे ओ बनी देंदे यहाँ जो मशीनों। ठीक है ता मैं पानी कदिया तक बदलने पौंदा तल तक ढंग ने नहीं फुली आ। ठीक है तो दोस्तों ये एक प्रोसेस है जो दादी माँ पिछले दो दिन से कर रहे हैं तो मेरे को लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। अच्छा मैं स्टोरी बता रहे हैं सीरे की। सीरा पाया कनक पाई मैं पानी पाया ढक्कन नहीं देता। अच्छा भूल गए ढक्कन लगाना। ढक्कन नहीं देता बस ते दो तीन दिन पानी लगी पाने। अच्छा भी तीन पानी जो नतारने लगे और पाने लगे तो चूहे निकलन थी। तो भाई ऐसी बात है कि कोई गांव में होंगे जिन्हें सीरा डाला होगा बहुत पुरानी बात है तो वो ना ढक्कन लगाना भूल गया और इसमें चूहे गिर गए। और जब वो एक दो दिन के बाद जैसे पानी साफ साफ डालते हैं प्रोसेस होता है वो करने लगे तो उसमें चूहे निकले फिर वो सारा फेंकना पड़ा। तो दादी वही सुना रहे थे सुबह सुबह। अर्ली मॉर्निंग लड़ाई। अम्मा बोला है ना भाई लोग कारे बुढ़े सबर ही आहां ते बुढ़े सबर नहीं। दादू तो रोटी खाओ एंजॉय करो। अम्मे बोल ना भाई आहां ते बुढ़े सबर नहीं आ इतना करोना तो बहस बूस हुंदी रहो भाई। फोन आ गया दादू जी का जिसके बिना रहते नहीं बिल्कुल भी। चलो मुर्गों को आजाद करते हैं फिर और काम करते हैं। ए बच्चा बाल्टी रास्ता दो। चलो ओ बड़ी मैडम चलो साइड हटो। अयो बहुत बेकार है कसम से बिल्कुल अच्छी नहीं है ये गंदी गाय की। ये देखो ये हो गया रेडी इनको पता चल गया आवाज आधी मिलने वाली है। और एक हमारे पास बहुत अच्छी गुड न्यूज है हमारी जो एक चिकन है ये देखो आप एग्स पे बैठ चुकी है तो अभी से हमने सबसे अलग कर दिया है। अगर ये वहाँ उस बड़े वाले अपने घर में रहती तो वहाँ पे से दूसरे मुर्गे और मुर्गियाँ तंग करते और वो इनको तंग करती और कुछ गलत हो जाता। तो अभी हम खोल रहे हैं इसको अभी अपने को आजाद करना है अपने चुनो मुनुओ को। तो देख लो भाई ये देखो पंख फड़फड़ाए जा रहे हैं। आ जाओ चलो आ जाओ कुड़ 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 वन बाय वन आते जा रहे हैं। देखो चलो 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 आ जा। ये देखो हाथ नहीं आना चाहते ये दूर से चले जाते हैं। अरे 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 एक और आया एक और आया एक और आ जा चल चल आ जा चल 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 देखो ये आएगा नहीं और हम जाएंगे अंदर क्योंकि अंदर मुर्गी ने दे दिए हैं अंडे। और ये देखो ये है एग कि हमने उठा लिया और एक डर के मारे भाग गई।
ये एक तो ये दरवाजा बहुत छोटा है, इतना तगड़ा करना पड़ता है ना यहाँ से निकलने के लिए। मेरे को लगता है कभी कभी पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये हमें अटक ऊपर छत, अरे अरे बाबा चलो की बैलेंस। तो चलो जी अब चलते हैं। अंडा भी आ गया, ये आजाद भी हो गए, इन्होंने शो डालना भी शुरू कर दिया। और अभी अपने अपने घूमेंगे, घर का थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए। तो दादी माँ ने घास काट दिया, मेरे को घास काटना आता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा काम है बस उसे लेके आओ और तबेले में रख दो। जैसे हमारी लैंग्वेज में हम गोड़ बोलते हैं, अम्मा ने रोका है पता नहीं क्यों। अब क्या करना, और चलो जी चलते हैं। देखो यार अब आप बताना कि इससे भी काम कराया जाए ना, इसको अब साथ साथ घूमने का काम है करना, वरना कुछ है नहीं, बस साथ साथ चले रहो, रास्ता ब्लॉक करते रहो और बस यहाँ गए और वहाँ गए, कभी दो चार चूहे भगा दिए तो कभी मुर्गे भगा दिए। बस बस तुम्हारे लिए ये खुल जा सिम सिम। और चलो जी ये है घास काटने वाली मशीन, और घास आ गया आज के लिए, इसको करो बंद। ये बंद करना जरूरी है तो सामने से धूप लगेगी। बोलो तो दादू सुनो नी कने क्या गलाया हा? ओहो मैं बोलिया हा दादू मैं ना ए बैठ दा इस मंजे पर कने तुहे हुंदे इत्थे कने एक ही गल चार बार बोलदा तां सुनदे हुण है तुहे अपने कमरे च उत्थे ओथी ओथी कने अक्षु अक भाई बॉडी ते कने कने अम्मा है का बरने थल्ले कने तुहा जो अंदर सुन हो ही गया अम्मा गाने सुनाया जो सुनाया। अच्छा बड़े तेज कान हो गए, कमर नहीं सुननी कने होना ना डिटेक्टिव हा ये ओए ओए सुनना था ऐसा कुछ सुनो याना इनो काम आऊ हां अपना टीवी ए अपलोड करे दा ना फोन पर मेरा ध्यान नहीं हा तक्षु मिंजो आख पाए भी पाए अम्मा सदा है तो आऊं गया। ओहो ता है प्याज कटना कटदा कड़ी नहीं खानी तू है कड़ी कड़ी खानी तो प्याज तो कटने पौना। बोलो बोलो क्या बोल रहा तू है, सोच विचार नहीं करना। आईया फलोरिया आईया चलो चलो हम कड़ी कुड़ी बना दे फिर गलांगा फिर लगांगा तुम्हारी क्लास तो बहुत ज्यादा खराब हुई है तू है और कौन और आऊ शरारती दादू मैं बानने साल उम्र हुई बानने साल फिर भी नहीं लगते बानने साल ना है पहले फिर में नहीं लगते तुहे बानने साल लांदे बानने साल उम्र होने दे बावजूद भी ओ आए दा भैणे प्याज छिलने। फ्रेंड्स अभी हमारी वीडियो हो चुकी है अपलोड और मेरे पहले व्यूअर हैं मेरे दादू जो इस नींबू पानी के साथ वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, पर अभी इंटरनेट है थोड़ा पहाड़ों में स्लो तो वीडियो हो गई है पॉज, इसलिए अभी मैं वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सही करता हूं फिर दादू को दिखाता हूं। दादू फोन दो। तो इसकी है अभी 720 पेस्कॉन 3 ऑटो पे रखते हैं, जो भी होगा चलेगा और देखते हैं चलता है या नहीं। और ये चल पड़ी पर शुरू से चली, दादू को वहां पहुंचाते जहां वो थे। लो तो बैम वो अभी मेरा पार्सल आ गया है और वो लेके आए हैं भैया। भाई जी की आया, अच्छा फिर तो छोड़ आई गए होने। और ये हमारा पार्सल हमें मिल चुका है, इसमें है वाइल्ड होल्डर। अब मैं सेफली गाड़ी भी चला पाऊंगा, सेफली ट्रेवल ब्लॉग भी बना पाऊंगा। अब तो चाहे मेरे से 50 किलोमीटर का ब्लॉग बना लो तुम लोग। और आज का मौसम फिर बहुत ही प्यारा है, हवा चल रही है और अब इसकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग। तो चलो ज
जैसे कि आप देख रहे हो हमारी अनबॉक्सिंग हो गई है डन, और ये है सॉफ्ट ट्यूब होल्डर जो मैंने लिया है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। और कुछ ऐसा है ये, आप देख सकते हो ये अलग है, ये इसके अंदर है लगाने के लिए। सो मजा आएगा ब्लॉग्स बनाने में। और दादू को आ गया है लंच, दादू खा रहे हैं मक्की की रोटी विद कड़ी फ्लोरियों वाली। और एक बात है, दादू की फेवरेट है कड़ी, तो दादू अभी लेने जा रहे हैं पहली बाइट, उससे पहले खांसी की रुकावट। तो अभी दादू खा के बताएंगे कैसी बनी है। क्या होया दादू बोल रहे कड़ी बहुत गर्म है। ओ अच्छा, रोटी दोनों चीजें गर्म ही है बोल लो। चलो ठीक है, अभी दादू के मुंह में आ रहा है पानी, वो खा नहीं पा रहे, तो जैसे खाएंगे तब आपको बताऊंगा। और दादाजी ने कड़ी खाना शुरू कर दिया है। तो दादू टेस्ट कैसा है? अच्छा। कितना अच्छा है? इतना अच्छा कि दादू की मूछें लग गई। चलो दादू बाय बाय कर दो। बाय बाय। तो हेलो गाइस, अभी हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में और अभी हम लगाएंगे इसमें इसको। देखो यार, मेरे को ये आइडिया नहीं है, हमें इसको यहाँ लगाऊं, यहाँ जैसे लगाऊंगा तभी मेरे को लगता है कि हम अच्छे से वीडियोस वगैरह कैप्चर कर पाएंगे, और अगर तब वीडियो वगैरह अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे तभी हमारा ब्लॉग बन पाएगा। और इसके लिए हमें पहले ये भी देखना है कि फोन कौन सा इसमें अच्छे से अच्छे कौन सा। तो आ गया हमारा फोन, उस हिसाब से देखा जाता आएगा यहाँ। एकदम सही जगह है ये, ताकि और आप देख सकते हो हमारी वीडियो चल रही है, पर अभी अपने को चेक करना है कैमरा। और टन टन है, और ये गया लग। तो कुछ इस तरह की आया है, अभी मेरे को हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा कि इसको और कैसे अच्छे से फिट करूं या कहां फिट करूं। या तो मेरे को लगता है ये यहां रखता मैं तो ज्यादा अच्छा आता। ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो भाई ये ऐसे ही लगेगा, कोई और तरीका है नहीं, और सामने का भी इतना सा पोर्शन कवर हो रहा है तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि घर जैसी है, तो मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद देख लीजिए। मेहनत रंग लाई है, मेहनत हो गई है फिनिश। तो अभी मैं जा रहा हूँ टंकी में पानी लगाने, क्योंकि पानी आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या इशू आ गया। आता है पर हमारी टंकी में नहीं आ रहा, अब कुछ फंस गया है पाइप में, क्या हो गया। तो अभी हम अपनी पाइप को लगाएंगे, और हम लगाएंगे टुल्लू। पाइप लग गई इसमें, क्योंकि टंकी है पूरी खाली। तो और ये इतनी बेकार पाइप है, फोल्ड जाती है सीधा, पानी आया नहीं तो आवाज आ रही है, मतलब पानी आ गया। और अपने को यही चाहिए था। और आप पीछे का व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पहाड़ ही पहाड़। हाय रोजू बेबी, हाय रोजू बेबी। तो आप देख सकते हो रोजू हमारा इतना क्यूट है, एक बार बुलाए तो आ जाता है, टीथू टीथू दिखा, क्या बात है, क्या बात है, गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। देंगे ऊपर जाने, क्या करो जो ऊपर जाना है, जाओ 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 जाओ, कैसे जाएगा, जाओ ऊपर, जाना ऊपर, चलो आओ। तो अभी हम जा रहे हैं गेट खोलने, क्योंकि भैया आए हैं खेत बीजने, तो आज का ब्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहें। कोई जाए ना जाए, सबसे पहले जाएगी लड़की। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रैक्टर आ चुका है, और अब ये चलेंगे अंदर।
तो अभी हमारे खेत हो गए हैं डन एकदम बढ़िया करके। तो अभी और आज का वीडियो ख़त्म करने का टाइम भी हो गया, भैया जा रहे हैं और रोज़ी भी आगे भाग रही है, तो हम तो हो गए भाई थक गए आज का ब्लॉग में। तो अब इसको विदा करते हैं फूलों के साथ और चलो जी। बोल व्यू नहीं आ रहे, बोल अब हमें लाइक क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, आपको समझ नहीं आती बोल इतनी सी बात, करो बोलना शेयर, करो बोलना लाइक, क्या कर रहे हो आप, क्यों नहीं करते भाई, काट मत से बाय। रोज अपने में मस्त है और आप भी स्वस्थ रहें, यूं ही घर पे परिवार के साथ रहें, हंसते खेलते रहें, जैसे कोविड ख़त्म होगा फिर निकलें, और अगर कोई इंपॉर्टेंट काम हो फिर तो निकलना ही पड़ेगा। तो तब तक के लिए टेक केयर और स्टे ब्लेस्ड और बाय।